आज हम पढ़ेंगे तेनालीरामन की एक दूसरी स्टोरी, द कोर्ट जेस्टर। रमन वॉज अ स्कॉलर एंड अ वेल नोन फॉर हिज विट। अब जो रमन था, तेनालीरामन था, वो बहुत ही अच्छा चिल्ड्रन था, मतलब बहुत अच्छा था पढ़ाई में और अपने ह्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ह्यूमर होता है कि बेसिकली कॉमेडी वगैरह करना, हंसाना लोगों को। ही ग्रू अप एंड मैरिड अ होमली गर्ल नेम्ड मैगम्मा। वो बड़ा हुआ और उसकी शादी हुई एक लड़की से जिसका नाम था मैगम्मा। आफ्टर अ ईयर मैगम्मा गेव बर्थ टू अ बॉय। और एक साल बाद मैगम्मा ने एक लड़के को जन्म दिया। रमन फेल्ट दैट द नीड ऑफ द आर वॉज अर्निंग हिज लाइवलीहुड। फिर उस टाइम रमन ने ये सोचा कि इस टाइम उसको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कि उसे पैसा कमाना है ताकि वो अपनी फैमिली के लिए उनको अच्छी लाइफ दे पाए। ही वॉन्टेड टू लीड अ कम्फर्टेबल लाइफ विद हिज फैमिली। वो अपने परिवार के साथ अच्छी सी लाइफ बिताना चाहता था। ही वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ राजा कृष्ण देवा राय एंड हिज एम्पायर। वो बहुत अच्छे से वाकिफ था राजा कृष्ण देव के एम्पायर से, यानी कि उनसे और उनके राज्य से। ही न्यू दैट राजा कृष्ण देवा राय रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स अ लॉट। और उसको ये बात भी पता थी कि जो राजा कृष्ण देव था, वो जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं और जो स्कॉलर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। रमन डिसाइडेड टू मीट द किंग एंड शो हिम हिज टैलेंट्स। रमन ने फिर ये डिसाइड करा कि वो राजा से मिलेगा और उसे अपने टैलेंट दिखाएगा, यानी कि उसके अंदर क्या क्या खूबी हैं। बट गेनिंग एंट्री इन टू द रॉयल कोर्ट विदाउट एनी रेफरेंस वॉज नॉट चाइल्ड्स प्ले। पर राजा के किले में जाना, वो भी बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी आदमी की रेफरेंस से, यानी कि जान पहचान से जाना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वन डे Somebody told Raman that the Raj Purohit had arrived at a nearby village. फिर एक दिन किसी ने रमन को बताया कि राज पुरोहित हैं जो विलेज के पास आए हुए हैं। रमन went to meet him and told his wish to meet the king. वो उनके पास गया और उसने उनको अपनी इच्छा जाहिर करी कि उसे राजा से मिलना है। The Raj Purohit said he would help Raman if he first impressed him with his talent. राज पुरोहित ने उसे ये बात बोली कि अगर तुम मुझे अपने टैलेंट से मना पाओगे, मेरे को इम्प्रेस कर पाओगे, तभी मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जाऊँगा। रमन सर्व्ड द पुरोहित टू द फुलेस्ट एंड रिसाइटेड द बेस्ट ऑफ हिज पोएट्री बिफोर हिम। रमन ने पुरोहित को अपनी पूरी कोशिश करके अच्छे से अपनी जितनी भी उसने पोएम लिखी थी वो सुनाई, मतलब जो उसकी सबसे बेस्ट पोएम्स थी वो उसने उसे सुनाई। बट देन द राज पुरोहित रियलाइज दैट इफ रमन मेट द किंग हिज ओन इन्फ्लुएंस वुड डेफिनेटली डिक्लाइन। फिर उसके बाद राज पुरोहित ने जब रमन की सारी पोएट्री सुन ली तो उसने ये सोचा कि अगर रमन राजा से मिलेगा तो जो राज पुरोहित है, यानी कि उसकी खुद की जो आइडेंटिटी होगी, यानी उसकी खुद की जो इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव उसने राजा पे डाला हुआ है, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि रमन बहुत अच्छा है, वो अच्छे से कहानियाँ सुना रहा, पोएट सुना रहा है। सो ही मेड फॉल्स प्रोमिसज टू रमन दैट ही वुड कॉल हिम टू द रॉयल कोर्ट एंड लेफ्ट। तो उसने क्या करा, रमन से झूठे झूठे वादे करे कि मैं तुम्हें राजा के महल में बुलाऊंगा, और वहां से फिर इतना बोलकर चला गया। रमन वेटेड फॉर मैनी डेज बट इट वॉज इन द वेन। रमन ने बहुत ज़्यादा दिन तक उसका वेट करा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उसको कहीं से भी बुलाया नहीं गया महल के लिए। सो ही पैक्ड हिज बैग्स एंड लेफ्ट फॉर विजयनगर विद हिज फैमिली। तो फिर आखिर में क्या करा, उसने अपने परिवार वालों के साथ बैग पैक करा और विजयनगर के लिए चला गया। ही वेंट स्ट्रेट टू द राज पुरोहित हाउस एंड आस्क्ड द गार्ड टू इन्फॉर्म द लेटर अबाउट हिज अराइवल। फिर क्या हुआ, वो सीधा राज पुरोहित के घर पे गया और उनके जो गार्ड था, जैसे ये दिखा रखा है, जो सैनिक था, उसको ये बोला कि तुम जाकर अंदर बताओ कि मैं आया हूँ। द राज पुरोहित डिडंट लेट हिम एंटर हिज हाउस सेइंग दैट ही डिडंट नो एनी रमन। राज पुरोहित ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं तो रमन नाम के किसी आदमी को जानता ही नहीं हूँ, और उसे घर में आने से मना कर दिया। रमन डिडंट लूज हार्ट एंड वेटेड फॉर अ सूटेबल अपॉर्चुनिटी। रमन ने अपना हौसला नहीं तो छोड़ा और वो
मौके के लिए वेट करता रहा। फाइनली ही गॉट अ चांस टू एंटर द रॉयल कोर्ट ऑन द ओकेजन ऑफ अ रॉयल फीस्ट वेयर वेरियस स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स वर इन्वाइटेड। और आखिरकार उसे मौका मिला उस राज महल में जाने का, कब, जब वहाँ पर रॉयल फीस्ट थी। रॉयल फीस्ट होता है कि बहुत दूर दूर से लोगों को इन्वाइट किया जाता है और उन्हें खाना खिलाया जाता है, और उसमें कौन कौन से आते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स आते हैं, फिलोसोफर्स आते हैं। देर वॉज अ डिबेट गोइंग ऑन द टॉपिक लाइफ। अब वहाँ पर एक टॉपिक के ऊपर डिबेट चल रही थी और उस टॉपिक का नाम क्या था, लाइफ। वन ऑफ द स्कॉलर्स स्टेटेड दैट लाइफ इज जस्ट एन इल्यूजन। किसी एक स्कॉलर ने ये बोला कि जिंदगी तो बस एक इल्यूजन है, यानी कि ये तो हमारा वहम है। इट इज ऑल अबाउट वट वी बिलीव टू बी ट्रू एंड वट इज नॉट। ये सिर्फ वही चीज है कि हम किस चीज में बिलीव करते हैं जो सच्ची है और जिसमें हम बिलीव नहीं करते। तेनाली रमन हर्ड द स्कॉलर्स ओपिनियन अबाउट द लाइफ एंड चैलेंज हिम टू प्रूव हिज पॉइंट थ्रू अ सिंपल एक्ट। तेनाली रमन ने उस स्कॉलर के इस ओपिनियन को सुना के वो कह रहा है कि लाइफ तो भाई इल्यूजन है, जिसे आप सच मानोगे वो सच है, जिसको आप झूठ मानोगे वो झूठ है। तो उसने कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ और मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी चीज़ से ये चीज़ प्रूव करके दिखाऊंगा। ही सेड वेल माई डियर फ्रेंड इफ यू थिंक एवरीथिंग अराउंड अस इज एन इल्यूजन वाई डोंट यू जस्ट कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द फूड बींग सर्व्ड हेयर जस्ट बिलीव दैट यू हैव enjoyed it। अब तेनाली रमन ने देखो कितनी बढ़िया बात बोली, उसने ये बोला कि अगर तुमको ये लग रहा है कि हमारी जो जिंदगी है वो एक इल्यूजन है, यानी कि जो चीज़ हम मानते हैं बस वही है, तो एक काम करो, तुम ये मान लो कि ये जो खाना है तुमने खा चुका है और तुम यही सोच के मजे कर लो, मतलब खाओ मत, बिना खाए ही सोच लो कि हाँ मैंने तो खाना खा लिया और मुझे बहुत मजा आया। एवरीवन इन द कोर्ट इंक्लूडिंग राजा कृष्णदेवा राय लाफ्ड हिज हार्ट आउट ऑन द रमन्स एक्सटेम्पोरेनिटी। और सारे के सारे लोग जो भी उस सभा के अंदर मौजूद थे वो सारे हंसने लगे तेज तेज, और वो तो हंस ही रहे थे, साथ में साथ उनका जो राजा था कृष्णदेवा वो भी बहुत ज़्यादा खुलकर हंसने लगा। और एक्सटेम्पोरेनिटी का मतलब होता है कि एक आर्ट ऑफ स्पीच होना बिना, यानी कि बिना किसी प्रिपरेशन के कुछ भी बोलना, जो तेनाली रमन के अंदर थी। तेनाली रमन को ये थोड़ी पता था कि वहाँ पे किस बारे में बात होने वाली है या कुछ है, उसने तो बहुत मतलब कि ऐसी बात बोली कि जिसके लिए उसको प्रिपेयर ही नहीं करना पड़ा। द किंग वॉज मेजमराइज वॉज बाय रमन्स विट। और रमन के इस ह्यूमर से जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, फैसिनेट हुआ। ही अपॉइंटेड रमन एज द कोर्ट जेस्टर राइट देन। उसने उसी वक्त रमन को अपने कोर्ट जेस्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया, एंटरटेनर के रूप में उसने अपने कोर्ट में उसे अपॉइंट कर लिया। द राज पुरोहित गॉट जेलस। और जो राज पुरोहित था वो बिल्कुल जल गया इस बात से। ही फोर्ज हिमसेल्फ टू प्रेजेंट अ प्लेट फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ द किंग। फिर उसने अपनी तरफ से एक प्लेट पूरे सुनहरे सिक्कों से भरी हुई तेनाली रमन को दी राजा के बिहाफ पर।